वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज़ करते चलें और ख़बरों के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए हैं। आइंदा चंद रोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के उहदे पर नई तैनाती का इम्कान है, जबकि कामरान खान टिस्सूरी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर काम करूँगा। जबकि सहाफ़ियों की निशानदेही पर मसाइल हल करने में मदद मिलती है। गवर्नर हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने कहा है कि एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाला एडमिनिस्ट्रेटर कराची जल्द आने वाला है, तमाम पार्टियों के साथ मिलकर शहर की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। इनका कहना था कि खुशी है कि मुझे सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऑन किया। मुराद अली शाह काबिल और मुतहरिक वज़ीर आला हैं, वो सूबे के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौशी मुश्किलात और मसाइल का हल होना ज़रूरी है ताकि मुल्क की मौशी तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि पीर पगारा से ज़ाती हैसियत में मुलाकात की। पीर साहब सियासी शख्सियत हैं तो सियासी गुफ्तगु भी हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए हिदायत देती है, बस हादसे के लवाहिकीन से मिलेंगे और विफाक से उनकी मदद करवाएंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी ने शहर कराची में बल्दियात इंतखाबात के नकाद के लिए आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू कर लिया है। जमात इस्लामी से की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन भी दायर कर दी गई है, जबकि पटिशन में इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को फरीक बनाते हुए अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि 17 अगस्त के अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि बल्दियात इंतखाबात के लिए हतमी तारीख का ऐलान करे। जमात इस्लामी ने शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू कर लिया है। जमात इस्लामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन भी दायर कर दी गई। पटिशन में इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को फरीक बनाते हुए अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि 17 अगस्त के अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि बल्दियात इंतखाबात के लिए हतमी तारीख का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहते हैं कि 2 साल से कराची के अवाम अपने मुंतखब मेयर और बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम है। कहा कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के राह में रुकावटें पैदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन भी अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है। सिंध हुकूमत ने कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है, जो इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद भी अपने ओहदे पर विराजमान है। इलेक्शन को बार बार मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हुक्म अदौली के मुर्तकिब हुए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 2 साल से शहर कराची के अवाम अपने मेयर और बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। इलेक्शन कमीशन भी अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है। सिंध हुकूमत ने शहर कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है, जो इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद भी अपने ओहदे पर विराजमान है। इलेक्शन को बार बार मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हुक्म अदौली के मुर्तकिब हुए। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वा सईद गनी का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन जब तक पूरे सिंध में नहीं हो जाते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। सईद गनी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जहां बल्दियाती इलेक्शन हुए वहां जीतने वाले अब तक घरों पर बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद जल्द अज जल्द बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। कराची के लोगों को सहूलियात फराहम करना हमारा काम है, हम करते रहेंगे। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जब तक पूरे सिंध में नहीं हो जाते कोई फ़ायदा नहीं है।
जहां बल्दियाती इलेक्शन हुए वहां जीतने वाले घरों पर बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द अज जल्द बल्दियाती इलेक्शन का इनकार चाहती है। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। कराची के लोगों को सहूलियात फराहम करना हमारा काम है, जो हम करते रहेंगे। वज़ीरे मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने हुसैन हज़ारा गोट में कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान फंडिंग की वजह से पाकिस्तान का दुश्मन है, बैरूनी फंडिंग की वजह से आईन के खिलाफ वर्जी करता है। इलेक्शन कमीशन अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दायर किए। पीटीआई के चैंपियन और चवन लोग जो यहाँ फिरते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि कराची शहर में आपने 3.5-4 साल में जब इमरान खान वजीर आजम था, वो कौन सा नया मंसूबा था जो आपने शुरू किया और आपने मुकम्मल किया? उन्होंने कोई मंसूबा कराची शहर को नहीं दिया और सिर्फ दावे करते रहे, ऐलानात करते रहे। कराची के लोगों ने पीटीआई को जो अभी उन्होंने कॉल दी, शायद ये पता नहीं लॉन्ग मार्च है, रॉन्ग मार्च है, क्या है, उसमें जाने के लिए, तो जब इमरान खान खुद जहाँ मौजूद है, जो उसने लाहौर से सिलसिला शुरू किया है, वो जो तफरी कर रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर भी किसी एक मकाम पर 6-7 हज़ार से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं हुए। सईद गनी ने कहा जब तक बल्दियाती इलेक्शन पूरे सिंध में मुकम्मल नहीं होते कोई फायदा नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सबकी ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द कराची के बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि हमें इस बात का यकीन है कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हमें इलेक्शन का कोई खौफ नहीं है। सईद गनी ने मजीद कहा कि इमरान खान मुल्क और अवाम के मफाद में सियासत नहीं कर रहे बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम के मुस्तरद किए जाने पर बौखलाहट का शिकार हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा है चीन। ऐसे में आपको बताएं कि चीनी कंपनियों ने शहर कराची में बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश भी की। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने पर इसरार। चीनी कंपनी ने अगले साल के इब्तदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी भी करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आगा हो कि माजी में बहुत मसाइल आए हैं जिस पर हम माजरत खां हैं। 11 अप्रैल 2022 को इक्तदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए हैं। चीनी कंपनियों ने शहर कराची में बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी है। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने पर भी इसरार। चीनी कंपनी ने अगले साल की इब्तदा में ही गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आगा हूँ कि माजी में बहुत मसाइल आए हैं जिस पर हम माजरत खां हैं। 11 अप्रैल 2022 को इख्तदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल बताते चलें कि मुलाकात में सैलाब मुतासरीन को इलाज व मुआलजा और अद्वियात की फराहमी पर ब्रीफिंग दी गई है। कामरान खान टिसूरी कहते हैं कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में हमारी मदद की, चीन हमारा नहायत ही काबिल एतमाद दोस्त है। गवर्नर सिंध ने कहा कि गैर मामूली बारिश और सैलाब ने सूबे सिंध में बड़ी तबाही मचाई है। कहा कि पानी की निकासी के साथ अब बीमारियों की शक्ल में एक नए चैलेंज का सामना है। चाइनीज़ मेडिकल टीम की काविशों से सैलाब मुतासरीन को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी में भी मदद मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात
सैलाब मुतासरीन को इलाज व मुआलजे और अद्वियात की फराहमी पर ब्रीफिंग दी गई। कामरान खान टेसूरी कहते हैं कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में हमारी मदद की है, चीन हमारा नहायत ही काबिल एतमाद दोस्त है। गवर्नर सिंध ने कहा कि गैर मामूली बारिश और सैलाब ने सूबे सिंध में बड़ी तबाही मचाई है, पानी की निकासी के साथ अब बीमारियों की शक्ल में एक नए चैलेंज का सामना है। चाइनीज मेडिकल टीम की काविशों से सैलाब मुतासरीन को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मदद मिलेगी। और अब तस्करा करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत होने वाले इजलास का। आपको बताएं कि रेड लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए शहर कराची में पाकिस्तान के पहले बायोगैस प्लांट का कयाम अमल में लाया गया जा रहा है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत बायोगैस प्लांट के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतालिका हुकाम ने बायोगैस लगाने के प्लांट के हवाले से अब तक की पेशरफ से एडमिनिस्ट्रेटर कराची को आगाह किया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि इको फ्रेंडली इंटरवेंशन के लिए जमीन मुख्तस कर दी गई है, जबकि प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए कब्जा दिया जा रहा है। रेड लाइन मास ट्रांसिट प्रोजेक्ट के लिए कराची में पाकिस्तान के पहले बायोगैस प्लांट का कयाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जेर सदारत बायोगैस प्लांट के हवाले से इजलास हुआ। मुतालिका हुकाम ने बायोगैस लगाने के प्लांट के हवाले से अब तक की होने वाली पेशरफ्त से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को आगाह किया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि इको फ्रेंडली इंटरवेंशन के लिए जमीन मुख्तस कर दी गई है, जबकि प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए कब्जा दिया जा रहा है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। जौहर चौरंगी पर फ्लाई ओवर और अंडरपास की तामीर के कामों का जायजा भी लिया है। आपको बताएं कि नासिर शाह ने इस मौके पर कहा है कि हमारी कोशिश है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत बिला तफरीक अवामी खिदमत कर रही है और शहर भर में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर भी काम जारी है। कराची के शहरियों को मौसर अंदाज में सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह बोले कि हमारी कोशिश है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सिंध हुकूमत बिला तफरीक अवामी खिदमत कर रही है और शहर भर में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों पर भी काम जारी है। नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि कराची के शहरियों को मौसर अंदाज में सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर। आवाम ने फ्लाईओवर और ब्रिज की तामीर को खुशाइन करार दे दिया है, जबकि फ्लाईओवर और अंडरपास की तकमील जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी आवाम ने मुतालबा कर दिया है। आवाम का कहना है कि आबादी बढ़ने के बायस शहर को ऐसे मुतादिद मंसूबों की ज़रूरत है, जबकि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के साथ साथ मायार का भी खास ख्याल रखा जाए, ताकि आवाम देर पा इन मंसूबों से मुस्तफीद हो सके। में तरक्याती कामों के आगाज पर जहां शहरियों ने सुखा सांस लिया है, वहां तामीराती काम में सुस्ती पर मायूस हैं। गुलिस्तान जौहर चौरंगी पर जारी फ्लाईओवर ब्रिज के लिए तामीराती काम जारी है, भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मरकजी सड़क बंद करके सर्विस रोड मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ ट्रैफिक जाम रहना हर वक्त का मामूल है। शहरी फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर को खुशाइन करार देते हैं, साथ ही काम की रफ्तार तेज करने का भी मुतालबा करते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है आवाम को, और आके यहाँ पे देखे और जो है ना इसका वो करेंगे, जल्दी से जल्द बने। बिल्कुल ही कोई पुरसाने हाल नहीं, वैसे ही कराची के पुरसाने हाल नहीं है। ये तो गुलिस्तान जौहर का बिल्कुल ही बंद कर दिया, जैम कर दिया बिल्कुल ना। यहाँ पे ये काम तो शुरू है, अच्छा एहसन इकदाम है, लेकिन ये काम देखा जा रहा है कि बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। ये बहुत हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ लोगों के मसाइल ट्रैफिक के पहले ही बहुत ज़्यादा थे। अगर इस काम को थोड़ा सा अरबाब इख्तदार जल्दी करें तो लोगों की ये परेशानी दूर हो जाएगी। इस वक्त यकीन कीजिए कि एम्बुलेंसेज, ऑफिस जाने वाले लोग, बच्चे जिस ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं।
काम तो ये स्टार्ट हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है तकरीबन, लेकिन इस काम में 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। देखिए अभी जो परेशानी हो रही है लोगों को, ये दोनों रोड बंद कर दिए गए और जो सर्विस रोड चलवा है वो भी इतना सुस्त चलता है, यानी कि ठेले खड़े हुए स्पीड ब्रेकर से यहाँ पे तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। गुलिस्तान जौहर में बढ़ते तामीराती प्रोजेक्ट और आबादी के लिहाज से ऐसे तरक्याती काम की मजीद जरूरत है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि कराची के जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 100 परिंदों को केएमसी के सपोर्ट करने का मामला। आपको बताएं कि कस्टम हुकाम ने परिंदे केएमसी के हवाले करने से इनकार कर दिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर का कस्टम हुकाम के बाद वफाकी वजारत मौसमियात को खत। खत के मतन में बताया गया है कि साउथ अफ्रीका से बरामद किए गए 100 परिंदों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक है। खत के मतन में यह भी बताया गया है कि परिंदों को देखभाल ठीक से ना होने से अमवात का खदशा है, जबकि परिंदों को केएमसी हवालगी के लिए कस्टम कलेक्टर को भी खत लिखा है। कराची एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 100 परिंदों को केएमसी के सपुर्द करने का मामला। कस्टम हुकाम का परिंदे केएमसी के हवाले करने से इनकार। म्यूनिसिपल कमिश्नर का कस्टम हुकाम के बाद वफाकी वजारत मौसमियात को खत। खत में मतन में बताया गया है कि साउथ अफ्रीका से बरामद किए गए 100 परिंदों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक है। खत के मतन में यह भी कहा गया है कि परिंदों की देखभाल ठीक से ना होने से उनकी अमवात का भी खदशा है, जबकि परिंदों को केएमसी हवालगी के लिए कस्टम कलेक्टर को भी खत लिखा है। कराची एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 100 परिंदों को केएमसी के सपुर्द करने का मामला। कस्टम हुकाम का परिंदे केएमसी के हवाले करने से इनकार। म्यूनिसिपल कमिश्नर का कस्टम हुकाम के बाद वफाकी वजारत मौसमियात के नाम खत। खत के मतन में बताया गया कि साउथ अफ्रीका से बरामद किए गए 100 परिंदों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक है, जबकि परिंदों की देखभाल ठीक से ना होने से उनकी अमवात का भी खदशा है। परिंदों को केएमसी हवालगी के लिए कस्टम कलेक्टर को भी खत लिखा है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का शहर कराची के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। कोरंगी 7000 और 11000 रोड पर तजावुजात के खात्मे के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि लांडी बाबर मार्केट में भी कायम की गई तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के यूपी मोटरसाइकिल मार्केट में कार्रवाई के दौरान तजावुजात जब्त कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी डिवीजन में कोरंगी और लांडी डिवीजन 7000 रोड से नासिर जम तक 11000 रोड से बाबर मार्केट तक ऑपरेशन के बाद दोबारा तजावुजात कायम करने पर कार्रवाई की गई, जिसमें ठेले पथारे कुर्सियां और टेबलें जब्त कर ली गईं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यूपी मोटरसाइकिल मार्केट में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कामरान अलवी और डेप्टी डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट यूनुस खान महबूब शाह और फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मसरूर इकबाल, इलाका पुलिस और स्टाफ भी मौजूद थे। सामान जब्त करके केएमसी स्टोर में जमा करा दिया गया। तमाम कार्रवाइयों में डायरेक्टर्स, डेप्टी डायरेक्टर्स, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर्स और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तहा सलीम की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मसरूफ तरीन फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद पर तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की गई, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान रेस्टोरेंट के बाहर कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। खाने पीने के स्टॉल्स, केबिन और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। हुसैनाबाद में तजावुजात के खात्मे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सेंट्रल तहा सलीम की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डीएमसी सेंट्रल नदीम हैदर ने की। ऑपरेशन के दौरान कुर्सियां, मेजे, टेबल्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नदीम हैदर का कहना था कि बगैर किसी सियासी दबाव के ये ऑपरेशन दिन रात की शिफ्टों में जारी रहेगा, किसी को भी दोबारा तजावुजात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ताहिर सलीम साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन साहब की हिदायत पे हो रहा है और पब्लिक की शिकायत पे हम लोग ये ड्राइव चला रहे हैं, क्योंकि इलाके की खवातीन और लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है, जिस पे हमें बहुत सारी जगहों पे दुश्वारी का सामना है। पब्लिक मतलब काम नहीं करने दे रही है और कुछ सियासी इन्वॉल्वमेंट आ रही है।
मगर हम अपने काम को जारी उसारी रखे हुए हैं। हम किसी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस काम को जारी रखेंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत है, वो हमने फॉलो करना है, हरारत में करना है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर गुलबर्ग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान अवाम के चलने के लिए मुख्तस हिस्से को भी क्लियर करवाया गया। बल्दिया आला किमाड़ी में आला उहदों पर तकर्री और तबादले हुए हैं। एसएम एडमिनिस्ट्रेटर फैज मोहम्मद शेख का भी तबादला कर दिया गया है। पीर शौकत अली शाह नए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी तैनात कर दिए गए, जबकि सालिक अली भुट्टो म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी मुकर्रर कर दिए गए हैं। फैज मोहम्मद शेख डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जिला कौंसिल कराची, जबकि बाबल अली मंगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डायरेक्टर HRM तैनात कर दिए गए हैं। बल्दिया आला किमाड़ी में आला उहदों पर तकर्री और तबादले, एडमिनिस्ट्रेटर फैज मोहम्मद शेख का तबादला कर दिया गया है। पीर शौकत अली शाह नए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सालिक अहमद भुट्टो म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी मुकर्रर कर दिए गए हैं। फैज मोहम्मद शेख डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जिला कौंसिल कराची और बाबर अली मंगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डायरेक्टर HRM तैनात कर दिए गए हैं। बल्दिया किमाड़ी में आला उहदों पर तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर फैज मोहम्मद शेख का भी तबादला कर दिया गया है। पीर शौकत अली शाह नए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी तैनात कर दिए गए हैं। सालिक अहमद भुट्टो म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी मुकर्रर। फैज मोहम्मद शेख डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जिला कौंसिल कराची, जबकि बाबल अली मंगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डायरेक्टर HRM तैनात कर दिए गए हैं। और यहाँ शामिल करेंगे कुछ अदालती खबरें। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शहर कराची के इलाके नाजोबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात का केस, जवाब जमा न कराने पर अदालत SBCA वकला पर बरहम हो गई। अदालत ने कहा है कि SBCA का काम यहाँ सिर्फ तारीखें लेना है। SBCA अफसरान को कहें कि जवाब दें वरना कार्रवाई करेंगे। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमांड्स। सिंध हाई कोर्ट में नाजमाबाद 5 नंबर में गैर कानूनी तामीरात का केस, जवाब जमा न कराने पर अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकला पर बरहम हो गई। अदालत ने कहा कि SBCA का काम यहां सिर्फ तारीखें लेना है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि SBCA अफसरान को कहें कि जवाब दें वरना कार्रवाई करेंगे। खबर देंगे आपको सिंध हाई कोर्ट से ही, जहां पुरानी सब्जी मंडी कश्मीर पार्क में निजी जमीन को शामिल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार को दो अतराफ से रास्ता मिल रहा है, जबकि पार्क राजी से रास्ता मांगना समझ से बालातर है। KMC के वकील के अदालत में दलाइल, आप पार्क के अंदर से रास्ता क्यों मांग रहे हैं? क्या आपने झूले झूलते हुए जाना है? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के दरख्वास्त पर रिमार्क्स। KMC की जानिब से जवाब दाखिल कराने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। सिंध हाई कोर्ट में पुरानी सब्जी मंडी कश्मीर पार्क में निजी जमीन शामिल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार को दो अतराफ से रास्ता मिल रहा है, पार्क एराजी से रास्ता मांगना समझ से बालातर है। KMC के वकील के अदालत में दलाइल, आप पार्क के अंदर से रास्ता क्यों मांग रहे हैं? क्या आपने पार्क से झूले झूलते हुए जाना है? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के दरख्वास्त पर रिमार्क्स। KMC की जानिब से जवाब दाखिल कराने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन ने औरंगी ट्रेडर्स और बनारसी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के वफ़ से मुलाकात की है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन ने औरंगी ट्रेडर्स और बनारसी क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के दफ्तर में ओहदेदारान से मुलाकात की। ताजरों ने मार्केट के मसाइल की निशानदेही करते हुए बताया कि मार्केट के अतराफ सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, तजावुजात के खात्मे के साथ साथ नकासियाब की खराबी की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ अवाम को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया
ضربی نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کے اطراف صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس کی فراہمی، تجاوزات کے خاتمے اور نکاسیاب کی اثر نو بحالی کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے بعد ازاں۔ انہوں نے مارکیٹ کا دورہ کیا اور موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو نکاسیاب کی فوری بحالی کے لیے اقدامات یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور گلیوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی درستگی کے لیے اقدامات کرنے کے احکامات دیے۔ اورنگی ٹریڈر ایسوسی ایشن کی دعوت پہ ہم نے آج بنارسی سلک مارکیٹ کا وزٹ کیا ہے اور میں گاہے بگاہے مارکیٹوں کے وزٹ کر رہا ہوں ریگارڈنگ ٹیکس کلیکشن، ریونیو کلیکشن، اور ان کے جو کام ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، ان سے وعدہ بھی کیا ہے، اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے، لائٹنگ کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے، اور یہ 100% 200% آمادہ ہیں تمام لوگ ٹیکس دینے پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہمیں عزت سے ہم سے ٹیکس لیا جائے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس مارکیٹ میں الحمدللہ اس مارکیٹ کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، یہ آبادی 60 سال پرانی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک اچھی پاکستان کی بنارسی کپڑوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، بنارسی پر کپڑوں کی تیاری اور فروخت کا سب سے بڑا مرکز ہے، پورے پاکستان میں کپڑوں کی سپلائی یہی ہوتی ہے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں کہ جناب ہمارے ایڈمنسٹریٹر اورنگی شبیع الحسن صاحب ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمارے مسائل سنے ہیں اور ہمارے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہیں۔ سید شبیع الحسن نے افسران کو ہدایت کی کہ تجاوزات اور ٹیکس کلیکشن کے لیے جامع حکمت عملی سے کردار ادا کرے۔ اورنگی ٹریڈرز اور بنارسی کلوتھ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا مارکیٹ کے مسائل سننے اور دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری نے سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال کراچی کا دورہ کیا، جبکہ اسپتال میں موجود طبی سہولیات کے حوالے سے مکمل جائزہ لیا۔ مریضوں کے لواحقین سے علاج و معالجے کی سہولیات کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری نے آج سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال کراچی کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر اسپتال کے ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر فیروز نے ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ محمد سعید لغاری کو اسپتال کے مختلف وارڈز جن میں جنرل وارڈ، گائنی وارڈ اور بچوں کے وارڈ شامل تھے اور دیگر شعبہ جات کا دورہ بھی کرایا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے اسپتال میں موجود طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل جائزہ لیا اور مریضوں کے لواحقین سے علاج و معالجے کی سہولیات کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع جنوب ریٹائرڈ محمد سعید لغاری نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر علاج اور معالجے کی سہولیات کی فراہمی ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی نے کہا کہ نہ صرف لیاری بلکہ اس کے اطراف کے لوگ بھی اس اسپتال میں علاج کی غرض کے آتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اسپتال میں صفائی ستھرائی سمیت سیکیورٹی اور تمام طبی سہولیات مناسب صورت میں دستیاب ہوں اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر لیاری جنرل اور ٹیچنگ اسپتال کے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فیروز نے ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کو اسپتال میں فراہم کی جانے والی علاج و معالجے کی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر اسپتال کے انتظامیہ نے درپیش مسائل کے حوالے سے بھی انہیں آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر لیاری عبدالکریم میمن بھی موجود تھے۔ وزیراعلی سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ منیر عبدالحلیم جاگرانی اور میونسپل کمشنر انیس الرحمان سیال کے ہمراہ اسپرے مہم کا افتتاح کر دیا۔ وزیراعلی سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدالحلیم جواگرانی اور میونسپل کمشنر انیس الرحمان سیال کے ہمراہ حشرات الارض کے خاتمے کے لیے جراثیم کش ادویات کے اسپرے مہم کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدالحلیم جواگرانی نے کہا کہ بدلتے موسم کے ساتھ مچھر مکھی اور دیگر حشرات کی پیدائش کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈینگی اور دیگر بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال
जलाल ने कहा कि हशरात की अफजाइश को रोकने के लिए जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे इंतहाई जरूरी है। जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे मरहलावार यूसीज में जारी है। डेंगू और दीगर हशरात के खात्मे के लिए स्प्रे के तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब का कहना था कि जिन गलियों में गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर हैंड मशीनों के जरिए स्प्रे किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर मल्लीर की हिदायत पे हम लोगों ने आज जो है अपना स्प्रे मुहिम का दोबारा आगाज किया है। तकरीबन 13 यूसीओ में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, जिसमें वक्तन वक्त 5 बजे से लेकर 9 बजे तक फेमिकेशन हम लोग हर यूसी में डेली के बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसमें ऐसे समझो कि 13 यूसी टोटल है हमारे पास। 13 यूसीओ में डेली के हिसाब से हम लोग स्प्रे मशीनों के जरिए फेमिकेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस पे हमें फायदा होगा। बल्दिया मलीर के तमाम यूनियन काउंसिलों में स्प्रे मुहिम बिला तातल जारी रहेगी और मरहलावार तमाम यूसीज में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे यकीनी बनाया जाएगा। मेट्रो वन न्यूज एक बार फिर शहर कायद के मसाइल के निशानदही में बाजी ले गया है। मेहरान हाईवे और मुत्तसिल शहरों की खस्ता हाली की खबर पर मुतालिका इदारों ने नोटिस लेकर तामीराती और मुरम्मती कामों का आगाज कर दिया है। मेट्रो वन न्यूज की काविशें बिलाखिर रंग ले आई। मुतालिका इदारों ने मेहरान हाईवे की खस्ता हाली की मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए तामीराती और मुरम्मत के कामों का आगाज कर दिया है। मेट्रो वन न्यूज ने चंद रोज कबल ही मेहरान हाईवे और मुत्तसिल शाहरा समेत नाले की टूट फूट की खबर नशर की थी, जिस पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मेहरान हाईवे से मुत्तसिल शाहराओं की तामीर और मुरम्मत के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ता किया, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर मस्कूरा सड़क और नाले पर तामीर और मुरम्मत के कामों का आगाज किया गया। शहर कराची में बल्दिया उज़्मा जहां शहर की सड़कों की अस्तरकारी कर रही है, वहीं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस कराची के इलाके नाजमाबाद ताफुन का गढ़ बन गया है। वाटर बोर्ड के टैंक सड़कों पर गलाजत फैलाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाहेली और सेवरेज लाइन भर जाने के बायस नाजमाबाद बड़ा मैदान का इलाका ताफुन का घर बन गया, जहां एक तरफ बल्दिया उज़्मा जहां शहर की सड़कों की अस्तरकारी कर रही है, वहीं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाहेली की वजह से मुख्तलिफ इलाके गलाजत में तब्दील होते जा रहे हैं। वाटर बोर्ड के टैंक सड़कों पर गलाजत फैलाने पर मसरूफ है। नाजमाबाद नंबर 3 बड़ा मैदान के शहरियों ने बताया की यहाँ के सेवरेज सिस्टम पर घर बने हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल वाले रिश्वत के एवज घर वालों को कुछ नहीं कहते। मैंने अपने बचपन में 50 साल हो गए नाजमाबाद में रहते हुए, हर साल ये गलियाँ ये मोहल्ले बनते थे, हर साल हर गलियां, ये जब से हम दूसरी जमातें आई हैं या वो उर्दू जमात खत्म हुई है उसके बाद यहाँ 12-15 सालों से कोई काम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं करा, सालाना सारा का सारा बजट वो पूरे सिंध का खा जाते, आपको कोई काम होता हुआ नजर आया? फिर ये कंस्ट्रक्शन जितना जाल बिछा हुआ है, किस बुरी तरह यहाँ पर सत्यानाश हुआ है पूरी कराची का। आए पैसे ले देकर सारे काम हो जाते हैं, आए वो तोड़कर जाते हैं, दूसरे दिन आकर 2-4 दिन बाद आकर वो फिर बन जाती है। भाई इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, खुदा रहा इस पे तवज्जो दें, हराम मुंह को लगाएं, ये आप अपने पेट में आग भर रहे हैं, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद ये गटर बंद होता है। हमने कंप्लेन कल भी कंप्लेन की है, लेकिन इसमें कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मकसद कहने का ये है कि हम कब तक पीछे भागे, उन्हें नजर नहीं आता कि ये रोड है, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ठीक है ना। थोड़ा खुद भी एहसास होना चाहिए। आप देख लें, ये देखें, इनको नजर नहीं आ रहा कि मस्जिद है, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। ये काम सुबह के टाइम है, फजर के बाद आना चाहिए इनको, ताकि इनको टाइम मिले थोड़ा सा, लेकिन कोई एहसास नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई बात। आप देखें पूरे कराची को खंडर बना के रखा हुआ है, कमर की तकलीफें हो गई हमें चला चला के गाड़ियाँ। शहरियों का कहना था कि जब तक कराची के मुख्तलिफ इदारे अपना सही काम नहीं करेंगे, कराची रोशनी का शहर नहीं बनेगा। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदनी सराई, मेट्रो वन न्यूज कराची। और यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की अहम तरीन शाहराहें टूट फूट का शिकार होकर तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं, जबकि हैदराबाद तिलक चौड़ी और सेंट मैरी चौक के अतराफ रोड टूट फूट का शिकार है। मजीद के तफसीलात हैं, बराए रास्त जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अंसारी से। अरशद अंसारी बताएगा इस वक्त सड़कों की कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। ये मेन शाहरा हैदराबाद की जो कि स्टेशन रोड से मिलती है और तिलक चाड़ी के गुरबो जवार से सदर और अर रहीम शॉपिंग सेंटर जाने वाली शाहरा है,
लेकिन ये गुज़िश्ता बताया जाता है कि कई अरसे से टूट फूट का शिकार है और इसकी मरम्मत नाम के मौके पर की जाती है, जबकि यहाँ हमारे दरमियान यहाँ के इलाका मकिन इनसे मालूम करते हैं कि ये इशारा बनाया गया थी टूट फूट का शिकार क्यों है, ये कब बनाई गई थी, कब से मुतासर है? भाई मैं खुद यहाँ का रिहायशी हूँ, ठीक है, आगे मेरी दुकान भी है, इधर ही मेरे घर भी हैं। इसको बनाए हुए पहली बात तो इसको काफ़ी अरसे से टूटा हुआ था, अभी कोई 15 या 20 दिन पहले इसमें सिर्फ लीपा पोती की गई है और कोई कुछ ही भी नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं है पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की, कोई पूछने हाल नहीं है, पाकिस्तान का क्या सिंध का क्या पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होया। क्या सरकार से मुतालबा करेंगे इशारों के लिए? क्या क्या सब उनको दिख रहा है, उनको दिखते हुए उनको खुद को नहीं लगता है क्या? हम क्या बोले? अरे बगैर बोले आप काम करो, लोगों की दुआएं लो, गरीबों का बुरा हाल है, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया आप यहाँ। ये थे शहरी और यहाँ देख सकते हैं कि हमारी मेट्रो वन न्यूज की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ पे खाकरूम भी पहुँच गए और उन्होंने सफाई सुथरा का काम यहाँ उजलत में शुरू कर दिया गया है। यहाँ के मकामी जो लोग थे उनकी नहीं सुनी जा रही थी, जबकि यहाँ मेट्रो वन न्यूज की टीम पहुँची तो शारा टूट फूट का शिकायत थी, शिकायत मिल रही थी। आज यहाँ पहुँचने का मकसद ये था कि साई सरकार की जानिब से जो इकदाम किए गए उसे उनका मुंह बोलता सबूत दिखाएं और शहरियों के इलाके फौरी तौर पर इशारों को तामीर किया जाए। अरशद अंसारी हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।